एक साथ जाएंगे ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं। शाम को फोन में देखो टाइम कितना हो रहा है, 5:30 तो बताओ, बहुत लेट हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ घुस जाती हूँ, ठीक है? और तुम लोग आओगे? बताओ आओगे? आराम से, फिर उसके बाद फ्री हो? कहाँ है? सो गाइज, मेरा पार्लर का काम फिनिश हुआ, फिर मैं घर पे गई। मुझे कुछ काम था, वीडियोस के ही काम थे, वो सारे काम किए, तभी मेरा वीडियो कल जो है लेट अपलोड हुआ था और आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो आज तो मैंने मॉर्निंग में एक लाइव कर दिया, एंजॉय कीजिए, एक और लाइव कर रही हूँ। सारे वीडियोस देखिए, एंजॉय कीजिए, प्यार दीजिए। यहाँ पर मैं मेहंदी लगवा रही थी, पता है आपको फंक्शन के टाइम पर ना ऐसा हो जाता है, उसके बाद ये एडिटिंग का भी काम होता है, वीडियो शूट करने का भी काम होता है, तो नहीं हो पाता है। मैंने ना ये मेहंदी जो है, और हमारे यहाँ ना मतलब लड़कों का कुछ ऐसा नहीं इतना हम वो करते थे, हम मेहंदी को लेकर लड़कियों का करते हैं। सो मतलब मेहंदी लगवाई, उसके बाद मैं आई यहाँ पे मिलने के लिए, मेरी दो मौसी आई हुई हैं, सबसे मैं मिली और उसके बाद यहाँ पे गीत जो है ना वो ख़त्म हो गया था, सब कुछ शूट किया हुआ था, पता नहीं कहाँ रह गया मेरा, डिलीट हो गया, कैसे नहीं हुआ था। के घर इतनी लेट आई, गीत संगीत सब कुछ ख़त्म हो गया था, दोनों मौसी जी लोग से मिली, मौसी है मम्मी के बाद वाले, एक मौसी है उसके बाद वाले मौसी, मेरी मौसी भी चार बहन है, सबसे बड़ी वाली नहीं आई है, मौसी दो नंबर वाली हैं, उसके बाद दो जने और हैं, वो लोग आए हुए हैं, उनके बच्चे आए हुए हैं। सो मैं सबसे मिल ली, मेहंदी लगाने में लेट हो गई, मतलब मौसी की शिकायत है कि आई हो यहाँ पर और रह रही हो, क्या करूँ, कोई तैयारी नहीं करी, इसलिए पूरा दिन मेरा मार्केट में पार्लर में इधर उधर ही निकल जा रहा है। टाइम ही कितना मिला, लोगों को लग रहा है कि मैं पहले आई हूँ, और मौसी की अलग ही शिकायत है कि आई तो रही भी नहीं। मैं होली से एक दिन पहले आई, होली हुआ, होली के अगले दिन फिर मैं पार्लर गई, आज मैं मार्केट में ही गई, मुझे जो दुल्हन के लिए सामान वगैरह लेना था, जो भी लेना था वो सब कुछ लेने के लिए, रात को मेहंदी लगवाने चली गई, कल तिलक ही है, परसों मटकोर ही है, उसके बाद बारात ही है, फिर मैं चली ही जाऊँगी, क्या क्या होगा यार, समझ ही नहीं आ रहा कितना क्या होगा कैसे होगा। सो वही मौसी कह रही थी, मैंने बोला कोई बात नहीं मौसी, कल मैं सुबह आऊँगी, तो ब्लॉग में बने रहिए, सुबह तक ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए, मैं और मम्मी जा रहे हैं। हो गया मम्मी? चलो मम्मी, तो हम लोग जा रहे हैं घर, राहुल दादी के पास, अब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और दादी आपको प्यार कर रही थी,
अब वो अपना वीडियो बना रही थी, अब बीच में घुस गए आप, छुंदली बन गए, दादी घूमी, मेरे पास जाएगी नहीं, लो मम्मी पकड़ो, यही साइड में बैठाओ, बाबा के पास गई, बाबा गिर गया, गिर गया, पांच मिनट का बस मुझे कर लेने दो, चार दिन से अटका हुआ, ठीक है, कर लो, फोन कर दो बाबा लगे, बाबा बुआ देखो क्या कर रही है, बाबा बोल दो, बुआ से बोल दो, बुआ से फोन कर, फोन कर बुआ लगे, बोलने आ गए, बोलती है, बोलती बुआ, मुझे नहीं बाबू बोलो, भैया भैया उठा, भैया तो सो रहा है, हाँ भैया सो रहा है, भैया सो रहा है, सुखा कहीं का वह कहते, सुखा कहीं का सरली कहीं का, भैया गिर गया, चलो ठीक है, चलो हॉल शूट करो, चाची कहाँ है, रात को मेहंदी लगवाने में बहुत लेट हो गया था, तो फिर मेहंदी वाली सुबह आई पूजा को लगाने के लिए, उसने सुबह सुबह आके फिर पूजा को फटाफट से जो है मेहंदी लगाई। सो गाइस अभी मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ, जिसके साथ आपको ये बेल्ट वाली साड़ी मिलेगी, ऐसे इंस्टाग्राम से है, आपको आईडी मेंशन कर दूंगा, दिखते मेरी साड़ियाँ उनके पास से आती है, ये अंदर का एक ब्लाउज मिलेगा आपको पैडेड और कप वाला, और उसके बाद ऊपर से आपको कोटी मिलेगा जैकेट टाइप का वर्क किया हुआ सीक्वेंस का। सो मैं अभी पहन के दिखाती हूँ, बताना कैसा लग रहा है, मैं फिटिंग भी नहीं करा पाई हूँ, बट पिन वगैरह से इसे फिट कर लूँगी, फिर लुक दिखाती हूँ। जो उसका दिया था ना वहाँ पे मैंने, वो मैंने खुद बनाया था। गाइस मैंने ये वाली कोटी वाली साड़ी पहनी, हाँ बेटा रेडीमेड साड़ी है, हाँ बेटा आओ, प्लेन को जहाज। अच्छा तो अभी हम जा रहे हैं मौसी के घर, है ना धनु, डगु मासी के घर जा रहे हो, धनु अपने मासी घर, मैं अपने मासी के घर, और अभी जैसे ही मैं निकलने वाली थी सब कुछ निपटा के, तब तक अक्षी आ गई और मैं रेडी नहीं हुई हूँ, क्योंकि मुझे फिर दोबारा तो रेडी होना ही होगा ना, फिर मुझसे सच्ची लगता इतना मेकअप थोको फिर दोबारा थो, हाँ नहीं होता, मैं मेकअप से थोड़ा सा है कि मैं बार बार नहीं कर सकती, एनी टाइम नहीं रख सकती, सो ये थोड़ी सी दिक्कत है मेरे साथ मेकअप को लेके। ओके तो अभी मैंने सिर्फ क्या किया कि ये लिप प्राइमर लगाया, मॉइस्चराइजर लगाया, हाँ सनस्क्रीन, हाँ आपकी मम्मा मेकअप करती है, अच्छा बोला, हाँ कर लेती हैं, मैंने बोला हाँ। बच्चे ये तो बातें कर रहे, मैंने बोला हाँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, आज है तिलक, तिलक की सारी तैयारी जो है हो चुकी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, सब लोग वहीं पे हैं, और सुनो वहीं से एक आंटी का कोई था हाँ? तो उन्होंने मेरे को बता दिया कि काम में कर लेता है, हाँ अरे बाप रे बाप, यहाँ पे सब आपको ना मेरे ही नाम से जानेंगे, ठीक है,
इसीलिए मैंने बैंगल्स वगैरह भी नहीं पहने हैं। और पूजा की मेहंदी आज लग रही है, उसका तो बहुत लेट होगा। तो मेहंदी कल रात को अचानक टाइम बना था, वो आज का टाइम तो मुझे लग रहा गड़बड़ ही है, क्योंकि दिन में जो है फंक्शन है। और मैं जब भी आप लोग से बात करती देखती हूँ तो साथ में रखते हैं। हाँ जब किसी बाल कटवाने गए थे तो बोल रहे थे ना, मैं वैसे मेरे को खिंचा लिए थे, वहीं से बहुत सारे बन गए थे। किसी की तो पत्ती चार हो गई। क्या क्या सोच बोलते रहते हो, ये सब नहीं बोलते हैं, YouTube से सब सीखते रहते हो। तो इसीलिए तो मेहंदी का मुझे लग रहा है कि आज का, क्योंकि फंक्शन जो है ना वो दिन में ही है फंक्शन, और क्योंकि टाइम भी पास में ही है, इसलिए कोई था नहीं कि गाड़ी से लेके जा। फंक्शन का टाइम जो है ये बहुत अर्ली है, शाम तक खत्म हो जाएगा। फोन आ रहा है पापा का, रुको। हाँ नहीं बेटा वहीं पे है विशाल मामू। मम्मी तुम्हें बाबू को जाते हैं, निक्की को दे दे फोन, बोल दे किसी का फोन ना। निक्की इधर है ना, निक्की नहीं है बेटा, आ जाओ। विधि कर रही है, वाह चप्पल पहन ना, तू बच्चा लगा है नानू ले me।
माती से बोला ले। एक बार में नमस्ते प्रणाम होगा लग गल तो रुक उमेश मामा मामी पहला बार मिला था नहीं लगा नू हो दे बाड़ी एक जनी कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट ब्लॉग जैसे ही मिला उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोग की साड़ी कैसी लगी इसका डिटेल जो है आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा।